हमीरपुर से ब्रेकिंग न्यूज। बुंदेलखंड का मुख्य द्वार कहे जाने वाले जनपद हमीरपुर में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान व राज्य मंत्री अनुप प्रधान का हुआ आगमन, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर किया जोरदार स्वागत। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान व राज्य मंत्री अनुप प्रधान आज बुधवार को हमीरपुर जनपद पहुंचे, जहां सबसे पहले बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की। उसके बाद मुख्यालय स्थित जिला अस्पताल का मंत्रियों ने किया निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान सदर विधायक मनोज प्रजापति व बीजेपी के जिलाध्यक्ष ब्रज किशोर गुप्ता सहित भाजपा के कई नेताओं ने महिला CMS डॉक्टर फौजिया अंजुम द्वारा उनकी बात न सुनने को लेकर तथा उन पर कई और आरोप लगाए, जिस पर मंत्री राकेश सचान और राज्य मंत्री अनुप प्रधान ने महिला CMS को जमकर फटकार लगाई और आचरण सुधारने की सीख दी। साथ ही जिलाधिकारी डॉक्टर ज्ञानेश्वर त्रिपाठी से शाम तक अव्यवस्था और महिला अस्पताल की शिकायतों पर रिपोर्ट देने को भी कहा। निरीक्षण के दौरान मंत्रियों ने जिला अस्पताल का भर्ती वार्ड, इमरजेंसी कक्ष सहित महिला अस्पताल का निरीक्षण किया तथा मरीजों व तीमारदारों से बातचीत कर उनसे अस्पताल के बारे में जानकारी ली। इस दौरान SP शुभम पटेल, CMO डॉक्टर AP रावत सहित जिले के आला अधिकारी उपस्थित रहे। कहना चाहूंगा कि जैसे आप कार्यकर्ता हैं, मैं भी लगातार आपसे 2012 में अनुसूचित मोर्चा का मंडल का अध्यक्ष था, उसके बाद में जिले का अध्यक्ष बनाया। अध्यक्ष रहते रहते ही पार्टी ने मेरे जैसे साधारण से कार्यकर्ता को 2012 का विधानसभा का टिकट दिया। उस समय भारतीय जनता पार्टी का इतना फुलो नहीं था, पूरे उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में मात्र 49 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई। हमीरपुर से अपडेट मीडिया के लिए शीलू कुमार की रिपोर्ट। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।